ब्लॉगर का कोई भी थीम यूज़ करते हैं तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। बट हमें क्या होता है, जितना जनरली जो ब्लॉगर यूज़ करते हैं उनको HTML का उतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो उतने अच्छे से अपने ज़रूरत के हिसाब से उस थीम को कस्टमाइज़ नहीं कर पाते। और हालांकि उसमें नॉर्मली उतना कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी नहीं होता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसे बिना HTML कोड के नॉलेज के भी उसे बहुत अच्छी तरह से अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं अभी जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो थीम होता है वो जैसा दिखता है उसको मैंने प्रीव्यू में रखा हुआ है, तो ये आपको ऐसा दिख रहा है और मैंने इसको कन्वर्ट किया है ऐसा में, ठीक है। जो जो मुझे चेंजेस चाहिए थे मैंने उस जगह पे चेंजेस किए हैं और इसको ऐसा मैं कन्वर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पे राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर का था नाम, और यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में अलाइन किया है और कलर भी मैंने चेंज किया है। तो हो सकता है कि नॉर्मल कस्टमाइजेशन में आप सिर्फ कलर चेंज कर पाए, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर ही चेंज नहीं किया, मैंने इसको सेंटर में किया है, प्लस इसका एडिटिंग स्टाइल चेंज किया है जो कि आप नहीं कर सकते नॉर्मली। इसका पोजीशन भी मैंने चेंज किया है। फिर आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो पोस्ट का हेडिंग है ये क्या है कि जस्टिफाई किया हुआ, यानी कि एकदम सब सेम लेंथ पे है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे स्वेप्ट बाई ये आगे पीछे निकला हुआ है तो ये अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसको भी मैंने यहाँ पे फिक्स किया है। ये क्या है, एक ही लाइन में दिख रहा है, अच्छे से एडजस्ट हो गया, जस्टिफाई किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा होगा कि जो इमेज अगर बैकग्राउंड अगर वो मैंने ट्रांसपेरेंट रखा है तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का गंदा सा दिख रहा है, तो मैंने इसको भी फिक्स किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा ये जो इमेज है ये इस इमेज का बैकग्राउंड वाइट नहीं है, ये जो बॉक्स था इसका बैकग्राउंड मैंने वाइट किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के सारे कस्टमाइजेशन को आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कस्टमाइजेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आपको वेबसाइट को खोल लेना है और क्या करना है, कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले क्रोम में एक बहुत अच्छा टूल दे के रखा है। आपको क्या करना है, बस एक राइट क्लिक करना है अपनी वेबसाइट को खोलने के बाद, और वहाँ पे एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये अभी मोबाइल में खुल रहा है, तो मैं यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से डेस्कटॉप भी कर सकता हूँ, आप मोबाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप वर्जन में इसको एडिट करना है। अब जैसे कि आपको अगर ये हेडर ये को एडिट करना है, आपको इसका स्टाइल पसंद नहीं है या फिर इसका कलर पसंद नहीं है या फिर इसका अलाइनमेंट पसंद नहीं है कि कहाँ ये सेंटर में होना चाहिए कॉर्नर में होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको जिस भी एलिमेंट को एडिट करना है उस एलिमेंट पे आपको उसको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका जो यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन दिख रहा है, स्टाइल ऑप्शन में आपको क्या होगा, इसका कोड का जितना भी स्टाइल्स है सब दिख जाएगा, जैसे कि इसका कलर ये वाला है, इसको देख सकते हैं, मैं अगर कलर हटा देता हूँ तो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से कोई दूसरा कलर देता हूँ तो मुझे तो दूसरा कलर का कोड भी याद नहीं है, ठीक है। आप यह सिंपली इसको यहाँ से कलर के लिए जैसे इस कलर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी एक कलर पिकर है यहाँ से इसको क्लिक करके आप कोई भी यहाँ से कलर उठा सकते हैं। जैसे आपको ये कलर चाहिए होगा तो इस कलर का भी हेक्सन कोड यहाँ से, यानी कि आप इस कलर के ऊपर क्लिक करके कोई भी कलर पिक कर सकते हैं यहाँ से। या फिर अगर आपको कलर कोड याद है तो जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ कुछ याद है, FFF मतलब वाइट होता है, तो देखिए वाइट हो गया तो वाइट बैकग्राउंड में गुम हो गया। फिर शायद 000 मतलब ब्लैक होता है, 1 2 3 ब्लैक होता है, तो मैंने ब्लैक कर लिया। तो इसी तरह से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करके। यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे जैसे कि 700 का है, 700 इसका पिक्सल है और ये सॉरी DPI है और 35 का उसका हाइट है। तो इसको जैसे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करके माउस पर स्क्रॉल करेंगे आप तो ये छोटा बड़ा होना शुरू होगा, डाउन करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो आपको जिस साइज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है उस साइज़ को आपको रखना है। और यहाँ से आप कर्सिव थे तो कर्सिव लिख सकते हैं, लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए, टेक्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कैपिटलाइजेशन है, तो आप अगर अपर केस करते हैं तो सब क्या होगा, सब के सब कैपिटल लेटर्स में आएंगे, देख लीजिए।
और यहाँ पे अलाइनमेंट मैंने सेंटर करके रखा है। आप यहाँ पे अगर लेफ़्ट कर देते हैं तो इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है ये। लेकिन आपके वेबसाइट पे डायरेक्टली चेंजेस नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप कैसे कैसे चेंज करें। अगर आपको यहाँ पे सब चेंज करने के बाद ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो क्या करना है आपको, बस अगर इसको अपने रियल में अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप एडिट करेंगे उसका आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा उस एलिमेंट का। आपको यहाँ से क्या करना है, उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको ब्लॉगर के थीम में जाना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है, वहाँ से आपको एडिट एचटीएमएल में क्लिक करना है, और क्या करना है फिर से यहाँ पे कंट्रोल एंड एफ क्लिक करना है। देन जो आपने कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पे उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एंटर हिट करना है। अगर सर्च में नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, जहाँ डॉट है वहाँ तक ही आपको रख देना है, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको सर्च मारना है, ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको देखना है कि एग्जैक्ट उसका नाम क्या था। देखिए यहाँ पे ब्लॉग डॉट ब्लॉग स्लैश सॉरी डैश नेम H1 कमा फिर ऐसे करके दो बार था, तो ये वाला आपको एग्जैक्टली वही चीज़ को खोज लेना है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट के लिए एंटर हिट करते जाना है, तो यहाँ पे ये वाला मिल गया मुझे, ठीक है ये एग्जैक्टली आपको मिल गया। तो यहाँ पे देख लीजिए सेम चीज़ वहाँ पे जो जो लिखा हुआ था यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कस्टमाइज़ कर दिया। अब आपको क्या करना है, अगर चेंज करना है तो मान लीजिए आपका अपर केस था, तो यहाँ से ये सारे चीज़ों को कॉपी करना है और वहाँ पे आपको ये सब चीज़ों को एग्जैक्टली इन सब चीज़ों को रिप्लेस करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपने यहाँ पे जो जो एडिट किया था जैसा दिख रहा था वैसा ही वहाँ पे दिखेगा। इसी तरह से आप अपने वेबसाइट का कोई भी एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं, चाहे फुटर हो चाहे हेडर हो या फिर बॉडी सेक्शन हो, आप कोई भी एलिमेंट को बस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं।